अभी ढेर सारे कपड़े साफ किए थे मशीन में, तो यहाँ सब मतलब मुझे ऐसा लगा था कि बदली बदली, तो मैंने कुछ कुछ कपड़े ऐसे गमले पे ऐसे से डाले जिसे जल्दी सूख जाए। तो यहाँ ऐसे ऐसे करके मैंने सारे कपड़े, ये देखिए ऐसे से फैलाए हुए हैं कुछ कुछ कपड़े। यहाँ बेटू खेल रहा है, ये और कुछ कपड़े तो उस वाले छत पे डाल दिए हैं वहाँ पे। और ये ऐसे कुछ नहीं होता। और मौसम कुछ इस तरीके से देखिए बादल सा हो रखा है हाल। और टाइम हो रहा है 4:30। ये सॉक्स वगैरह था, बेटू को कल स्कूल जाना है तो मैंने साफ कर दिए। चलो बेटू आओ, चले नीचे चले, आओ चले बेटू, चलो बेटा नीचे चले। हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पर मैं बना रही थी चावल, और देखिए कैसे बिसल आया है, पूरा मतलब बाहर निकल आया है। और इस तरीके से कई बार होता है, जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो पता नहीं क्या होगा इस समय, मतलब कुकर में जब बिसल आता है तो इतने गंदे तरीके से चावल ऊपर की तरफ फेंकता है, पूरा मतलब गैस काउंटर टॉप इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। एक तो चावल रहता है, फिर वो जब चिपक जाता है तो छुड़ाने में भी बहुत मतलब मेहनत लगती है। और डेली का है, जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो इसी तरीके से मतलब गंदा होता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर आज है स्कूल में बेटू के PTM, और ये है मतलब समर वेकेशन उसका आज से स्टार्ट है, मतलब आज PTM होने के बाद तो आज उसके स्कूल का लास्ट डे रहेगा। तो यही मैं आपसे यहाँ पे बता रही थी। तो क्या हुआ कि जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरी मोबाइल ख़राब हो गई थी, तो कुछ क्लिप हमारे पास पड़े रह गए हैं, तो ये उसी टाइम की क्लिप है। तो ये भी मतलब कुछ देर से मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर बेटू जो है किसी गाने पे मतलब एक्टिंग कर रहा था, उसने किसी वीडियो में देखा था, तो मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ PTM में। और मैं भी मतलब थोड़ा आज खुश हूँ कि आज चलो बेटू का स्कूल का लास्ट डे है, आज PTM होने के बाद फिर उसका समर वेकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी मतलब बहुत स्कूलों में तो हो गई थी समर वेकेशन, लेकिन इसके स्कूल में मतलब थोड़ा लेट से वेकेशन स्टार्ट हुए थे, तो 26 से इसके वेकेशन स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन वाली पूड़ी। तो मतलब बेटू को खाना था तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये आज की वीडियो है एक ही दिन की वीडियो नहीं है, कई दिनों की मिली जुली वीडियो है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब मोबाइल ख़राब हो गया था तो कुछ क्लिप पड़े थे, तो कुछ टाइम की भी कुछ क्लिप है, कुछ बाहर की भी क्लिप है, सबको मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है, तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आटे की पकौड़ी। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर की है, तो मैंने पूरी रेसिपी नहीं शेयर की है। और यहाँ पर मैंने ये बनाया है सब्जी मखाने की, तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर किया है या नहीं किया है मुझे पूरी तरीके से नहीं याद है। मुझे अभी एक क्लिप मिला तो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया इसी ब्लॉग में। और यहाँ पर मैंने ब्लिंकिट से ढेर सारी सब्जियाँ मंगाई थी, और मतलब बहुत सारे सामान मंगाए थे ग्रोसरी के, तो सब्जियाँ भी मैंने सारी यहीं से शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि कोई लाने वाला नहीं था तो मैंने घर बैठे ही शॉपिंग कर लिया। और यहाँ पर मनपसंद अपनी आज मैंने सब्जियाँ मंगाई है, तो वही मैं दिखा रही थी। मुझे ग्वारफली जो है बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा था, मैंने देखा तो उसको भी ऑर्डर कर दिया। जो कुंदरू बोलते हैं, ये भी मतलब जल्दी मेरे हस्बैंड नहीं लाते, तो इसको भी मैंने यहाँ पर खुद से ऑर्डर कर दिया कि चलो अब तो मैं खाऊँगी, क्योंकि उनको नहीं पसंद है, तो जो जो सब्ज़ियाँ उनको नहीं पसंद होती बहुत कम ही लाते हैं। और यहाँ पर ये मैं ब्राउन शुगर है मंगाई हूँ, तो आज मैं ये फ़र्स्ट टाइम मंगाई हूँ, तो मैं इसको फिर निकाल के डिब्बे में मैं रिफ़िल कर दे रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ फिर से आटे का हलवा। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि मैं बीच बीच में कई बार बनाई हूँ, और देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा खिल के आया है। घी में बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत ही अच्छे से, अच्छे खासे मैंने घी डाले थे। फिर मैंने इसमें दूध ढेर सारा डाला है, ब्राउन शुगर डाला है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पंजीरी जो होता है मतलब आटा भूनने के बाद घी में बहुत अच्छे से निकाल लिया। इसमें चीनी मिलाकर मैं खाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था बहुत दिनों से। मैंने आज फाइनली जो इसको बना ही लिया। जब मैं आटा मतलब भूनने लगी हलवा बनाने के लिए तो अचानक से मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो आज इसको निकाल के इसमें चीनी मिला के पंजीरी जो बनता है उसको खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी होगी गाइस तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो या मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगे। जो भी वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं अगर उनको वीडियो पसंद आ जाती है गाइस तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलेंगे एक और नए